सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आ जाइए सभी जल्दी से. और आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करनी है मुझे. आपका जो टॉपिक होगा आपका डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड प्रेजिंग. देखिए, इससे पहले आपने इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया होगा, बस आपने चीजों को रट लिया. सोल्डरिंग करते हैं तो कब करते हैं, जब सर टेम्परेचर आपका 450 से कम होता है. ब्रेजिंग कब करते हैं, जब सर टेम्परेचर आपका 450 से ज्यादा हो जाता है. वेल्डिंग कब करते हैं, जब सर टेम्परेचर आपका 1000 या 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है. मगर इनमें मेन रीजन क्या है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग हमारी होती क्या है, तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको. मगर उससे पहले सभी स्टूडेंट प्लीज लाइव आ जाइए जल्दी से. तो आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर बहुत सारे कॉल मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आते हैं. सर, हिंदी मीडियम में हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, चीजों को हम रिलेट नहीं कर पाते, पॉइंट टू पॉइंट हम कनेक्ट नहीं कर पाते. तो स्पेशली ऑन योर डिमांड वी आर फोकसिंग ऑन स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. तो वी आर स्टार्टिंग ए न्यू ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंफोट्रेड टीम. So I and my team, we will organize a new Indian, new online course only for English medium students. So classes जो हैं आपकी वो coming Monday से चालू हो जाएगी साथियों. तो इस video के नीचे मैंने एक description form डाला है. तो अगर आप if you are able to understand English language, if you are able to learn, if you are able to learn and write English language very quickly, and how to crack the exam from zero level to high level, then come to us, we will teach you in English language. So साथियों, ये एक छोटा सा course हमने बहुत जल्दी आपके door तक पहुंचने वाला है. Focus कर रहा हूं मैं अभी till now special trade those student who has belong to fitter, turner and machinist, then come to us, we will teach you in English language. हाँ जी, मोहम्मद आकिब, clear साथियों. तो ये English medium का course था हमारा. तो जो आज की जो क्लासेस है हमारी आरआरबी एएलपी में चल रही है, जिसका पूरा है हमारा तेजस बैच, इसमें हमारा नाम है फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर वाले स्टूडेंट्स के लिए. क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली 6 लाइव क्लासेस मिलती हैं. बहुत सी क्लासेस का जो आपका कोर्स है वो 50% खत्म हो गया है. तो जल्दी से जाइए, कहीं आप फिर लेट ना हो जाए. चलिए जी, तो बात करते हैं सीधे, कहां हम ले चलते हैं सीधे का आपको सोल्डरिंग की और ब्रेजिंग की तरफ. तो साथियों, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, सबसे पहले आपको यही जानना है कि सर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग हमारा क्या है. ये हमारे मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, ठीक है सर, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है. और इसमें हम स्पेशली सोल्डरिंग में सिमिलर और डिसिमिलर दोनों को हम जोड़ सकते हैं, दोनों मेटेरियल को हम जोड़ सकते हैं. स्पेलिंग की तरफ पहुंच जाइएगा, फोकस कीजिएगा मेरे ओनली एंड ओनली वर्ड को. सिमिलर और डिससिमिलर मेटल को जोड़ सकते हैं, और ठीक ऐसी ब्रेजिंग में भी सिमिलर और डिससिमिलर मेटल को हम जोड़ सकते हैं. मगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा, सर हिंदी मीडियम का हूँ. ओके सर, हिंदी मीडियम का हूँ. हाँ सर, हमें तो हिंदी में समझ आता है. अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप जहां चल रहे हैं आप वही चलते रहिए. ये बैच जो है केवल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है. चले आइए, बैक टू द टॉपिक आते हैं. तो सर, अब हमारे सामने क्वेश्चन निकल कर आया, सर वेल्डिंग भी तो हमारा एक जॉइनिंग प्रोसेस है, तो फिर सर हमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है. तो डियर स्टूडेंट, इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि वेल्डिंग में अगर मैं कोई दो पार्ट को ज्वाइन करता हूं, तो यहां जो टेम्परेचर है मेरा हाई हो जाता है, जिसके कारण मेरे मेटल के या पार्ट के एजेस जो है वो मेरे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. या मैं ये कह सकता हूं कि वेल्डिंग मेरी तभी होगी तब दोनों पार्ट के एजेस को मैं लगभग मेल्ट कर दूंगा. तो मगर बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है कि सर अगर उन पर मैं वेल्डिंग करूंगा तो वो पार्ट पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगे, उनका डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनकी प्रॉपर्टीज मेरी अलग अलग होती है, या दो जुड़ने वाले पार्टों की थिकनेस जो होती है मेरी बहुत अलग अलग होती है. तो ऐसी कंडीशन में एक प्रोसेस यूज होता है, जिस प्रोसेस को मैं किस नाम से जानता हूं, एलाइड प्रोसेस के नाम से जानता हूं. और इसी के अंतर्गत मेरे तीन विधियां आती हैं जिन्हें मैं किस किस के नाम से जानूंगा. पहली सोल्डरिंग विधि होगी, दूसरी मेरी ब्रेजिंग विधि होगी, तीसरी मेरी विधि होती है कौन सी, एडहेसिव बॉन्डिंग. एडहेसिव
बॉन, ये मैं आपको बिल्कुल डीपली बता रहा हूं कि सर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आया कहां से, क्योंकि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्या है, तो जिसने रटा है वो आपको बता देगा कि सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्या होता है। मगर अगर वो पूछा क्या सोल्डरिंग और ब्रेजिंग मेरे एलाइड प्रोसेस के अंतर्गत आता है क्या, बस आप वहीं घूम गए, आपने लगा दिया आंसर नहीं। मगर सोल्डरिंग ब्रेजिंग और एडहेसिव प्रोसेस मेरा किसके अंतर्गत आता है, एलाइड प्रोसेस के अंतर्गत आता है। सर ये एलाइड प्रोसेस क्या है, सर इनमें उन पार्टों पर वेल्ड किया जाता है जिनके डिजाइन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थिकनेस उनकी अलग अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उनकी शेप अलग अलग होती है, और जो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे प्रोसेस को अगर मुझे ज्वाइन करना हो तो किसके सहारा लेता हूं मैं, एलाइड प्रोसेस का लेता हूं। ठीक है, तो अब इसके बाद निकल कर आता है, ठीक है, तो सर सोल्डरिंग में क्या होता साथियों मेरा, सोल्डरिंग में मेरे कोई भी दो पार्ट होंगे, दो पार्ट को जोड़ने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, फिलर मेटल का यूज करता हूं, फिलर मेटल का यूज करता हूं, या सर मैं इसे फिलर अलॉय भी बोल सकता हूं, फिलर अलॉय भी बोल सकता हूं, और फिलर अलॉय इसमें मेरा क्या होता है, सोल्डर होता है, और सर ये सोल्डर मेरा किस किस का मिश्रण होता है, मेरा लेड और टिन का मिश्रण होता है। सर लेड को मैं किस नाम से जानता हूं, पीबी के नाम से, और सर टिन को किस, टिन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एसएन होता है। ठीक है सर, अगर मैं लेड का टेम्परेचर जाऊं तो कितना होगा, 327 डिग्री समथिंग होगा, ओके, और टिन का मेरा टेम्परेचर कितना होता है, 232 समथिंग होता है। तो क्या सर इनमें टेम्परेचर मेरा बहुत कम है या नहीं है, इनका टेम्परेचर मेरा बहुत कम है या नहीं है? अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं कहूं ये दो पार्ट है मेरे, इन दो पार्टों को आपको जोड़ना है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जुड़ने वाले पार्टों के जो एजेस होते हैं वो मेल्ट मेल्ट नहीं होते, इनके बीच में या जहां ये ग्रूव है, जहां जॉइनिंग पार्ट है इनका, इनके बीच में फिलर मेटल का यूज करता हूं। ओके, तो आप मुझे बताइए जब इनका टेम्परेचर मेरा इतना कम है, 327 डिग्री 232 डिग्री सेल्सियस, तो क्या इनको मैं यूज बिल्कुल लो टेम्परेचर पे करूंगा, नहीं करूंगा? आप जो पढ़ते हैं ना सर सोल्डरिंग मेरे 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे करी जाती है, वो क्यों करी जाती है, क्योंकि सोल्डरिंग जो है क्या है, दो जुड़ने वाले पार्टों को जिस माध्यम से जोड़ा जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। सोल्डर किसका बना हुआ होता है, लेड और टिन का बना हुआ होता है, लेड और टिन का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए सोल्डरिंग को 450 डिग्री सेल्सियस से कम पे हम करते हैं। बात क्लियर हो रही है क्या साथियों मेरी इतनी, चल दूं आगे, चलो जी आगे। ओके, सो सर अगर ये सारा टेम्परेचर आपका 450 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे हो गया तो क्या कहलाएगा मेरा, सर सोल्डरिंग कहेगा, और सर यही टेम्परेचर अगर मेरा 450 से ऊपर हो गया तो क्या होता है, वो विधि मेरी क्या कहलाएगी, सर ब्रेजिंग कहलाएगी। क्लियर हो रही है क्या बात मेरी इतनी, सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो सर मेरा सोल्डरिंग में मेरा फिलर मेटल यूज होता है, और ब्रेजिंग में फिलर मेटल की जगह मेरा क्या यूज होता है, स्पेल्टर यूज होता है। यहां ये क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सर जो ब्रेजिंग होगी उसमें मेरा क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, फिलर मेटल की जगह स्पेल्टर यूज होता है, या मैं इसे हार्ड सोल्डर भी कहता हूं, या मैं इसे हार्ड सोल्डर भी कहता हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आगे। ठीक है सर, हिंदी में समझ सकते हो हम, राजीव सर कहाँ गए, आज राजीव सर भी आने वाले, सभी कुछ आने वाले है। ठीक है जी, सर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में मेरा क्या यूज होता है, फिलर भी मेटल यूज होगा, और इसके साथ साथ मेरा इसमें एक फ्लक्स भी यूज होता है। फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम गालक बोलते हैं। फ्लक्स को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, गालक बोलते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमें यूज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज करना पड़ता है। मगर अगर मैं जाता हूं ब्रेजिंग में, तो ब्रेजिंग में जो हम फ्लक्स यूज करेंगे वो हम क्या यूज करते हैं, जो ब्रेजिंग में फ्लक्स हम यूज करते हैं उसे हम क्या यूज करते हैं, बोरेक्स यूज करते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, जो फ्लक्स यूज होगा ब्रेजिंग में वो क्या होता है, बोरेक्स यूज करते हैं, या हम इसे एश भी बोलते हैं, ASH। ठीक है, ये अश्विन नहीं है, ASH। और बोरेक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था, ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। और सोल्डरिंग आपका एक कैसा जॉइंट क्रिएट करके देता है, अर्ध स्थाई जॉइंट क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था, अभी हमने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है।
चलूं आगे, चलते आगे। तो सर ये क्या है मेरा, देखिए ये जो है आपका, ये जो होता है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सोल्डरिंग कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो है आपका, ये क्या होता है, सोल्डर होता है सर। दो जॉइंट के बीच में जो मेल्ट होके बैठता है वही क्या होता है, सोल्डर होता है। और यही आपका लैड और टिन का मिश्रण होता है सर। ये क्या होती है मेरी, इसे बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। इसे क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन। और सोल्डरिंग आयरन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसे हम काबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काबिया बोलते हैं। और सर ये क्या है हमारा, ये है हमारा फ्लक्स। ये क्या है हमारा, फ्लक्स। और फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम गालक बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग करने के लिए आपको इन तीन चीजों का यूज करना पड़ता है। क्लियर। एंड सर सोल्डरिंग को जिसके साथ से मेल्ट किया जाएगा वो क्या होता है, आपकी सोल्डरिंग आयरन होती है। क्लियर, चलूं आगे। तो यहां से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए सर, सोल्डरिंग के लिए हमें कौन कौन तत्व जरूरी होते हैं। सोल्डर होगा यूज, सोल्डरिंग आयरन होगा, काबिया होगा, फ्लक्स यूज होगा। चलिए जी, तो सर यहां से हमें बताइए फ्लक्स का क्या काम होता है। तो अगर दो कोई पार्ट है आपके, दो पार्ट को आपको जॉइंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले इन दो जॉइंट को, जो आपके पार्ट है पार्ट वन पार्ट टू, इनके एजिस को क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले साफ करना पड़ता है। और सर ये साफ किसके सहायता से होते हैं, मेरे फ्लक्स की सहायता से होते हैं। ओके, और फ्लक्स हमारे कितने तरह के होते हैं, किस किस रूप में आते हैं सर, ये मेरे लिक्विड के रूप में भी आ सकता है, पेस्ट के रूप में भी आ सकता है, और पाउडर के रूप में भी आ सकता है। सबसे ज्यादा पेस्ट के रूप में हम इसे ज्यादातर यूज करते हैं। चलिए जी, सर सोल्डरिंग मेनली हम किस पे करते हैं, तो जितने आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हुए आपके, या कोई आपके म्यूजिकली कंपोनेंट हुए, तो ज्यादातर हम इन्हें वहां यूज करते हैं। और ब्रेजिंग कहाँ यूज करते हैं सर, ये आपके जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, इन्हें ज्यादातर हम वहां यूज करते हैं। लिखते रहिए बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सोल्डरिंग किस पर नहीं की जा सकती है, तो सोल्डरिंग हम एंटी मनी पर नहीं कर सकते हैं। सर ब्रेजिंग किस पर नहीं की जा सकती है, तो सर ब्रेजिंग हम मैग्नीशियम पर और एल्युमिनियम अलॉय पर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए जी, सर अभी आपने बताया सोल्डरिंग जो होता है उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे करी जाती है। तो अगर उसके टेम्परेचर को मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है मुझे, उसमें मैं आपकी एंटीमिनी मिला देता हूं। ठीक है, अगर सोल्डर का टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना हो, सोल्डर का टेम्परेचर अगर मुझे कम करना हो तो उसमें क्या मिलाई जाती है आपके बिक स्मिथ। ये दो आपकी विधियां होती है, दो प्रोडक्ट होते हैं सोल्डर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए और टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके हर पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सर फ्लक्स का क्या काम होगा। तो आपको पता है सर फ्लक्स का सबसे पहला काम होता है सर, ये जुड़ने वाले एजिस को साफ करता है। ओके, यानी अगर आपका कोई कंपोनेंट है, प्लेट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उस पर हल्के हल्के छोटे छोटे जैसे आपकी टीवी की प्लेट होती है, तो वहां कोई कंपोनेंट को आपको क्या करना है, वेल्ड करना है या सोल्डरिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कंपोनेंट की सफाई करेंगे। ओके, सेकंड हमारा यूज क्या होता है, फ्लक्स हमारा डी सोल्डरिंग का काम करता है, डी ऑक्साइड का काम करता है, डी ऑक्साइड का काम करता है। ये बात सुनिए जरा, ये बात सुनिए सर, फ्लक्स नहीं यूज होता सफाई के लिए सर। ठीक है जी, चलो जी, फ्लक्स यूज नहीं होता, अभी देखते हैं सफाई के लिए यूज होता है या नहीं होता है। ओके, आपने कहां पढ़ा है जरा एक बार मुझे फीडबैक दे दीजिएगा बेटा। ओके चलिए जी, तो बहुत से स्टूडेंट ये डी ऑक्साइड को रटते हैं, ये डी ऑक्साइड होता क्या है, तो फ्लक्स क्या होता है, हमारा डी ऑक्साइड भी करता है। मतलब क्या होता है, अगर कोई मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, उस पर एक तरह की पपड़ी जम जाती है। एक बात आप मुझे बताइएगा, अगर यही दो पार्ट है इनके ऊपर मुझे क्या करनी है, सोल्डरिंग करनी है, इनके ऊपर ऑक्साइड चढ़ी हुई है मेरी, ओके इसके ऊपर ऑक्साइड चढ़ी हुई है, तो जो फिलर मेटल क्या इसके अंदर डीप तक चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। डीप तक अगर फिलर मेटल जाएगा नहीं तो ये जॉइंट कैसा बनेगा, मेरा स्मॉल बनेगा, कैसा बनेगा, वीक बनेगा, इसकी जो लाइफ होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो फ्लक्स का दूसरा काम क्या होता है सर, ये डी ऑक्साइड करता है सर, ये सोल्डर को बहने में मदद करता है, यानी सर इसकी जो लिक्विडिटी मेरी फ्लो होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी सर सोल्डर को क्या करेगा, ये
ग्रूव के जो आपको जुड़ना था बिल्कुल ग्रूव के कोने कोने तक जाके पहुंचेगा। और ये सर पार्ट को या जॉइंट को जंग लगने से भी बचाता है, ठीक है, क्लियर। जंग लगने से यानी रस्ट लगने से ये आपको बचाता है। मेनली फ्लक्स के ये 3 से 4 काम होते हैं, ठीक है। चलो जी, फ्लक्स भी जो होते हैं साथियों मेरे, 2 तरह के होंगे। कौन कौन से? एक होता है क्रोजिव फ्लक्स और दूसरा कौन सा होता है मेरा? नॉन क्रोजिव फ्लक्स। इन्हें हम अभी आगे आपको बताएंगे। क्रोजिव फ्लक्स को एक और नाम से जानता हूं मैं, एक्टिव फ्लक्स। एक्टिव फ्लक्स, ठीक है। और जो मेरे नॉन क्रोजिव फ्लक्स होते हैं इन्हें मैं किस नाम से जानता हूं? इन्हें जानता हूं मैं पैसिव फ्लक्स। इन्हें मैं एक नाम से और जानता हूं, पैसिव फ्लक्स के नाम से जानता हूं, ठीक है। ये चीज आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए कह रहा हूं, सभी चीजों को जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए फ्लक्स मेरा पाउडर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये मेरा सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग आयरन होता है। ये आपकी सोल्डरिंग की एक पूरी विधि है। सोल्डरिंग आयरन हम ऐसे ही करते हैं साथियों, ओके। ये क्या है मेरा? ये मेरा सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है। सोल्डरिंग करने के बाद कभी भी सोल्डरिंग आयरन को कहीं मेज पर, टेबल पर, वर्क बेंच पर नहीं रखते। इसे सीधे कहां रखते हैं? इस स्टैंड के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आगे, ओके। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो सर हम पढ़ रहे हैं किसमें, वेल्डिंग में, ब्रेजिंग में और सोल्डरिंग में, हमारा सबसे मेन डिफरेंस कितना? सर सोल्डरिंग टिप किसकी बनी हुई होती है? सोल्डरिंग टिप जो होती है वो आपके कॉपर की बनी हुई होती है, ठीक है। चलो जी, तो डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में क्या अंतर्गत होता है। कभी आपने माइंड में सोचा आपने कि जो आप हम पढ़ते हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये दोनों हमारे क्या है? मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। मगर वेल्डिंग भी तो एक हमारा मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। तो सर जब वेल्डिंग हमारे पास मेटल जॉइनिंग प्रोसेस था तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, क्या रीजन था? तो ये माइंड में आपके आज फिट बैठ गया होगा। चलो जी, सबसे पहले देखो पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले तीनों में टेम्परेचर की बात करते हैं। तो वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना पहुंच जाता है सर? 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। मगर जो ब्रेजिंग का होता है मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कहाँ होता है? अबव 600 डिग्री या अबव इसे आप 450 डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हैं। सोल्डरिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ होता है हमारा? 450 डिग्री से बिलो रखा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो सर इसमें मैं उन धातुओं को जोड़ सकता हूं जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है? कम होता है। ये पॉइंट लिखिए कि सर सोल्डरिंग में उन धातुओं को जोड़ा जाएगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है? कम होता है। और वेल्डिंग में किन धातुओं को जोड़ा जाएगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा? सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सर अगर मैं बात करता हूं आपकी, ये 2 पार्ट है मेरे और 2 पार्ट के क्या है मेरे, सपोज किसी के दोनों पार्ट मेरे सॉफ्ट मटेरियल के हैं, इन पे मैं वेल्डिंग करता हूं तो सर वेल्डिंग करते वक्त टेम्परेचर तो मेरा बहुत हाई हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तो ये दोनों पार्ट जो है मेरे पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए इस विधि से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए मैं किस पे फोकस करता हूं? सोल्डरिंग पर फोकस करता हूं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मेटल टू बी जॉइंट, यानी इन सब कौन कौन से मेटल ज्वाइन कर सकते हैं? ओनली सिमिलर मेटल। सर वेल्डिंग में मैं केवल जो एक जैसे मेटल होंगे उन्हें ही ज्वाइंट कर सकता हूं, यानी कॉपर को ओनली कॉपर से, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ब्रेजिंग में मैं डिससिमिलर मेटल को यूज कर सकता हूं और सोल्डरिंग में मैं क्या ओनली सिमिलर मेटल या डिससिमिलर मेटल को भी ज्वाइंट कर सकता हूं। सरफेस फिनिश की बात करते हैं तो सरफेस फिनिश आपकी वेल्डिंग में बहुत बेकार होती है, ब्रेजिंग में सरफेस फिनिश आपकी अच्छी होती है और सोल्डरिंग में आपकी सरफेस फिनिश बहुत ज्यादा पुअर होती है। अगर जॉइंट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वेल्डिंग में जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत हाई होगी क्योंकि टेम्परेचर में आपका बहुत ज्यादा है, ब्रेजिंग में आपकी हाई होती है और सोल्डरिंग में आपकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत वीक होगी। सर वीक कैसे होगी? अगर ये कोई 2 मटेरियल है आपने, इन्हें आपने सोल्डरिंग के साथ साथ जोड़ा हुआ है तो इस पे अगर मैं हल्की सी भी हीट ज्यादा दे दूंगा तो ये जॉइंट मेरा खुल जाएगा, जॉइंट मेरा ये ओपन हो जाएगा कंपेरिजन टू ब्रेजिंग और आपका वेल्डिंग, क्लियर साथियों। तो आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में ये आ गया होगा, सर वेल्डिंग में डिससिमिलर मेटल नहीं जोड़ सकते, ठीक है, क्लियर। डिससिमिलर मेटल को भी जोड़ सकते हैं, होमोजेनस और हिट्रोजेनस को भी, ठीक है साथियों। यहाँ आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो सोल्डरिंग होती है ना हमारी, जो ये सोल्डरिंग होती है मेरी,
ये मेरी किसके अंतर्गत आती है, ये मेरी सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग है। ये कैसी वेल्डिंग है, मेरी सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग है। एक बार क्वेश्चन ये निकल कर आया हुआ है। सर सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग है, क्यों क्यों है सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग, क्योंकि सर जब इन मेटल को जब दो पार्टों को मैं जोड़ता हूं तो इनके एजेस जो है वो मेल्ट नहीं होते, कैसी अवस्था में रहते हैं, सॉलिड अवस्था में ही रहते हैं। सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग इसलिए इसे कहते हैं, और इसलिए इसे एक नाम से और जाना जाता है, हिट्रोजीनियस वेल्डिंग। ये भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन डीपली है, बहुत ज्यादा डीपली है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ही हम आप सभी के लिए लाए हैं। सर सोल्डरिंग कौन सी किस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, क्यों बता चुका हूं। सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग को मैं एक नाम से और जानता हूं, क्या, हिट्रोजीनियस वेल्डिंग के नाम से जानता हूं। सर हिट्रोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है, जहां आपका बेस मेटल और आपका पेरेंट मेटल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है साथियों, आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और फ्लक्स को हमेशा हम मेटेरियल के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं, आप ध्यान कर लीजिएगा। सोल्डर की बात करें तो वहां सोल्डरिंग की बात करें तो लेड और टिन होगा, वहां फिलर मेटल यहाँ यूज होगा, वहां फिलर मेटल की जगह ब्रेजिंग में क्या यूज होता है आपका, स्पेल्टर यूज होता है। स्पेल्टर को किस नाम से जानते हैं हम, हार्ड सोल्डर के नाम से जानते हैं। यहाँ फ्लक्स कौन सा यूज होता है सोल्डरिंग में, फ्लक्स कौन सा, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि आपका फ्लक्स ज्यादातर सोल्डरिंग में कौन सा यूज होता है, तो जिंक क्लोराइड ज्यादातर यूज होता है। मोस्टली बात कर रहा हूं मैं किसकी, मोस्टली बात कर रहा हूं जो फ्लक्स यूज होता होगा आपका किसमें, सोल्डरिंग में। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड जो होता है वो ज्यादातर इसका यूज होता है, या जो इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज होता है सेकंड नंबर पे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें ज्यादातर आपका यूज हो जाता है। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूं कि जो हमारे फ्लक्स होते हैं वो मेटल के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से लेते हैं, और इसके अलावा हमारा अमोनियम क्लोराइड भी यूज होता है, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे यही फ्लक्स ज्यादातर यूज होते हैं, जिंक क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है, जिंक क्लोराइड। चलिए जी, तो एक स्लाइड देखेगा जल्दी से फटाफट से, आई थिंक ये वाली समझ में आ गया होगा आपको कि हम मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया जरा उतना मैं लिखा देता हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखो सोल्डर मुख्यतः दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है, यानी लेड और टिन का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को पिघलाकर धातु की पतली शीटों या तारों को जोड़ दिया जाता है। पतली शीट भी इससे जोड़ सकते हैं, तारों का मतलब क्या, पहले ही बताया था सोल्डर कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिक आपकी जो कंपोनेंट होते हैं उन पर यूज होता है। सोल्डर को पिघलाकर धातु की पतली शीटों या तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर, सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं, यानी काबिया। ये क्या होता है मेरा, काबिया होता है। ठीक है, और जो इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी हुई होती है, जो लिखा ना ये होता है, ये इसे कहते हैं बिट, ये किसकी बनी हुई होती है, मेरी कॉपर की बनी हुई होती है। बेसिकली ये जो आपकी सोल्डरिंग बिट है इसके तीन कॉमन टाइप होते हैं, तीन इसके कॉमन क्या होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, कॉमन इसके ऊर्जा कॉमन नेम होते हैं। सबसे पहला होता है कोर, सबसे पहला क्या होता है ये कोर, दूसरा होता है इसका हेड, और तीसरा होता है ये इसका हमारा शैंक, और ये क्या होता है, ये तो हमारा लकड़ी का हैंडल ही होता है। तीन मेन पार्ट्स होते हैं किसके, सोल्डरिंग आयरन के। तो जो इसकी बिट है, जो बिट है यानी ये जो बिट है किससे ली जाके किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की बनी हुई होती है। और सबसे अधिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही सोल्डर को पिघलाने का कार्य किया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सोल्डर कौन कौन सा है सर, टिन और लेड का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें कितना मिश्रण होता है, इसमें हमारा 63% क्या होगा मेरा, टिन होता है, और लेड कितना होता है मेरा इसमें 37% होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बारे क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आया है। ठीक है, 66% इसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, टिन और लेड का इसमें हमारा मिश्रण होता है। क्लियर जी, चलूं आगे, 63, 37 टिन लेड का इसमें हमारा ये मिश्रण होता है। चलो जी, तो यहां से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है आपका कि जो ओके, तो ये सब चीजें आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ये पूरा मेरा हिंदी में लिखा हुआ है और ये पूरा मेरा यहाँ मेरा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में सर पीडीएफ का टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कीजिए, देखने में दिक्कत हो रही
है। चलिए जी मैं कोशिश करता हूं। ओके तो ये इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में मेन जो डिफरेंस है वो क्या होता है साथियों, केवल टेम्परेचर का होता है और फ्लक्स का होता है। चलिए जी चलते हैं आगे। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सोल्डरिंग की डेफिनेशन आप यूज करते हैं कर सकते हैं, फ्लक्स यूज इज मेड अप ऑफ रेजिन या जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, सोल्डरिंग इज अ कॉमन प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्टील कॉपर एंड अदर मटेरियल। ठीक है, लेड और टिन का इसमें मिश्रण होता है, टेम्परेचर कितना होता है लेस देन 450 पे आपका टेम्परेचर होता है। चलूं आगे चलते आगे। ब्रेजिंग क्या है, तो ब्रेजिंग इसमें यही है, कहां यूज होता है, ये आपके ज्यादातर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जॉइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को यूज करते हैं, और इसमें जो फिलर मेटल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है आपका, कॉपर और कॉपर अलॉय यूज होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि फिलर मेटल इसमें यूज नहीं होगा, फिलर मेटल की जगह इसमें हमारा क्या यूज होता है, स्पेल्टर यूज होता है। ठीक है, क्लियर। और मेल्टिंग पॉइंट कितना रखा जाता है इसका, 450 से ऊपर रखा जाता है। क्लियर, इन दिस केस ओनली फिलर मेटल मेल्ट, इसमें फिलर मेटल क्या होता है मेरा मेल्ट होता है, और कोई भी इसमें वर्कपीस मेटल को या वर्कपीस इसमें मेल्ट नहीं होता है। क्लियर, बस यही मेन डिफरेंस है, बस यही, और आप सब चीज ये आपको पता ही है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं सर इसमें सोल्डरिंग और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की मेन डिफरेंस की, चलिए जी इसे भी देख लीजिए एक बार। तो सोल्डरिंग यूजुअली डन टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री पे भी कर सकते हैं, क्यों क्यों कहते हैं, देखिए कहीं कहीं बुक में आपका ये टेम्परेचर लिखा होता है 450 से कम पे, कहीं कहीं 200, कहीं कहीं 350 से कम पे, तो वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि बेसिकली सोल्डरिंग कर ही उन धातु पे करी जाती है जिनका टेम्परेचर हमारा साथियों बहुत कम होता है, वो सर 450 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। और ब्रेजिंग किस पे करी जाती है मेरी, अबव 450 टेम्परेचर पे जाती है, बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर मेटल। ठीक है जी, चलो अब इसे बात करते हैं। अगर क्या सोल्डरिंग रिक्वायर्स ए स्पेशल ट्रेनिंग, सर सोल्डरिंग के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मगर ब्रेजिंग के लिए हमें कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। सोल्डरिंग जो है वो कैसी विधि है मेरी, एक सस्ती विधि है, चीपर प्रोसेस है, और ब्रेजिंग क्या है ये मेरी थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस है। सोल्डरिंग रियली वेरी इजी एंड क्विक प्रोसेस, सर ये जल्दी हो जाती है, ओके और इजी है। ब्रेजिंग इसके क्या है, एकदम विपरीत है। हीटिंग ऑफ वर्कपीस इज नॉट रिक्वायर्ड, सर इसमें वर्कपीस को हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर इसमें वर्कपीस को हीट करने की जरूरत पड़ती है। प्री हीटिंग ऑफ बेस मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी सर वही पॉइंट है, दोनों का मतलब एक ही है। प्री हीटिंग का मतलब होता है इसमें आपको वर्कपीस को पहले से हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर इसमें हमारी जरूरत पड़ती है। सोल्डर यूज इन सोल्डरिंग, सर सोल्डरिंग में क्या यूज होता है, सर सोल्डर यूज होता है लेड और टिन का, और इसमें क्या यूज होता है मेरा, स्पेल्टर यूज होता है। ठीक है, ये बात आप हाईलाइटेड बना के लिखिएगा बिल्कुल। जिंक एंड रेजिन क्लोराइड आर यूज्ड एज फ्लक्स सेंसर, सबसे ज्यादा जो फ्लक्स यूज होता है कौन सा यूज होता है सर मेरा, जिंक और रेजिन यूज होता है। और सर ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज होता है कौन सा यूज होता है मेरा, एश यूज होगा या बोरेक्स यूज होगा। बोरेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं। सोल्डरिंग इन सोल्डरिंग सोल्डर पार्ट्स आर टू बी क्लीन विद वाटर, जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो किए हुए सोल्डरिंग के द्वारा जो पार्ट को वेल जॉइंट कर देंगे उसे पानी से धोना पड़ता है। इन ब्रेजिंग ब्रेस पार्ट आर टू बी अलाउड टू कूल, ब्रेजिंग में पार्ट को आपको ठंडा करना पड़ता है। सोल्डरिंग इज पॉसिबिलिटी ओनली इन केस ऑफ थिन एज वेल एज सिमिलर शीट मेटल, सोल्डरिंग बेसिकली जो छोटे इनकी डाया कम होता है थिन प्लेट पर उनपे कर सकते हैं, जो सिमिलर शीट मेटल है उनपे कर सकते हैं, बट ब्रेजिंग इज सुटेबल विद थिकर, जो आपकी साइज जिनकी डाया मोटा होगा उनपे करेंगे, एज वेल एज सिमिलर और डिसिमिलर मेटल सभी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा आपका मेथड होते हैं, और सिंपल से डिफरेंस जो होते हैं साथियों बस यही होते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बात करें टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग की, मगर मैं आपको सीधा पहले वो ले चलता हूं इसके अलावा कहा कि जो हम मैं आप सभी के लिए ये बता रहा था कि आपको सोल्डरिंग आयरन, ठीक है जी, देखो जी सोल्डरिंग आयरन के बारे में पढ़ लो पहले जल्दी से। तो सोल्डरिंग आयरन क्या है, सोल्डरिंग आयरन एक आपका हैंड टूल है, ठीक है, इसका प्रयोग सोल्डरिंग करते समय सोल्डर को पिघलाने या जोड़ में भरने के लिए किया जाता है। ओके, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काबिया बोलते हैं। इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, कोर हेड शैंक, कोर हेड शैंक। कोर क्या है मेरा, कोर मेरा ये होता है, ठीक है, कोर क्या होता है मेरा ये होता है, हेड क्या होता है मेरा
ये होता है, ठीक है, और शैंक क्या होती है मेरी, ये होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसका जो हेड होता है किसका बनी हुई होती है, मेरी कॉपर का बनी हुई होती है। एक क्वेश्चन यहां निकल कर आया था, सर सोल्डरिंग आयरन का हम साइज कैसे लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन का साइज कैसे लेते हैं, तो जितना इस कॉपर की हेड का वेट होता है ना, इसी से हम इसका साइज लेते हैं। सपोज कीजिए इसका साइज, इसका वेट कितना है, 10 केजी है, तो बस यही इसका साइज हो जाता है। ओके, सोल्डर आयरन का वह भाग होता है जो गर्म होकर सोल्डरिंग की क्रिया करता है, यानी जो आप बोल रहे हैं ना सर ये वुडन हैंडल कोर जो होता है, ये सर ये कोर क्या है, यही जो पार्ट होता है, यही पार्ट आपका गर्म होकर क्या करता है, सोल्डरिंग करता है। सोल्डरिंग आयरन का कोर एंड हैंड मुख्यतः किसका बना हुआ होगा, तांबे का बना हुआ होता है। सर ये जो कोर है आपका और जो ये हेड है किसका बना हुआ होगा, तांबे का बना हुआ होता है। सोल्डरिंग आयरन को पकड़ने के लिए लकड़ी का एक हैंडल भी यूज होता है, यानी ये जो हैंडल आप देख पा रहे हैं ये किसका है आपका, सर ये वुडन हैंडल का बना हुआ होता है। क्लियर जी, चलूं आगे। तो बेसिकली सोल्डरिंग आयरन जो है साथियों, ये भी आपके दो तरीके की होती है। सोल्डरिंग आयरन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली कौन सी होती है आपकी मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन, दूसरी कौन सी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन, ठीक है जी। चलो जी इनके बारे में बताओ सर, इनके बारे में क्या होता है हमारा। तो बेसिकली जो आपकी सोल्डरिंग आयरन होती है, मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन के बारे में बात कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए। तो मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन क्या होती है, इसमें मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन बेसिकली आपकी कौन सी होती है, जो आप ये देख पा रहे हैं ये वाली, यही क्या होती है आपकी, यही आपकी मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन होती है। सोल्डरिंग आयरन बेसिकली दो ही प्रकार की होती है, मैकेनिकल है और ये कौन सी आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल है, ये कौन सी आपकी इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन है, और ज्यादातर आपकी इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन ही यूज होती है। ओके चलिए, तो सर इन्हें हम गर्म कैसे करते हैं, तो मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन की बिट को ब्लो लैंप से गर्म करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, ब्लो लैंप से गर्म करते हैं। जब सोल्डरिंग आयरन का कोर अगर त्रिभुजाकार का है एवं अंग्रेजी के वी आकार का है या वी समानाकृति का है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हैचेट टाइप सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। यहां से मैं ये भी पॉइंट क्लियर कर रहा हूं आपको कि टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन, यानी सर सोल्डरिंग आयरन का जो फेस है वो कैसा है मेरा, अगर त्रिभुजाकार है यानी वी आकार का है तो कैसी, कौन सी मेरी सोल्डरिंग आयरन हो जाएगी, हैचेट सोल्डरिंग आयरन हो जाएगी। और जब सोल्डरिंग आयरन का कोर अगर मेरा वर्गाकार है या पिरामिड आकार का है तो क्या हो जाएगी सर, फिर वो मेरी स्क्वायर टाइप सोल्डरिंग आयरन हो जाएगी। तो क्या यहाँ आपको ये दो तीन पॉइंट क्लियर हुए क्या, सर अगर इसकी आकृतियां वी आकार की है, ठीक है, तो ये कौन सी मेरी, क्यों क्लियर बताया था, अगर इसका कोर वी टाइप का है तो हैचेट होगा, अगर कोर इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, ये मेरा स्क्वायर टाइप सोल्डरिंग आयरन हो जाए। क्लियर, ठीक है। मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन को हम गर्म कैसे करते हैं, ब्लो लैंप से करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन की, तो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग इलेक्ट्रिक उपकरणों में जॉइंट लगाने के लिए किया जाता है। सर बताया था मैंने जहां बिजली का जॉइंट आपको क्लियर करेंगे, इसमें बिट को गर्म करने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में हीटिंग एलिमेंट में धारा परिवर्तित होने पर कॉपर बिट गर्म हो जाती है। तो बेसिकली इस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसे हम गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, यही मेरी इलेक्ट्रिक क्या होती है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन होती है। इसके प्लग जो आप ये देख पा रहे हैं साथियों, ये जो आप प्लग देख पा रहे हैं, इस प्लग को मुझे कहाँ लगाना पड़ता है, अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगाना पड़ता है, और ये गर्म होकर जो ये मेरी आप देख पा रहे हैं ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर मैं सोल्डरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। चलूं आगे, चलिए जी अब बात करते हैं, जो मैंने सोल्डरिंग फ्लक्स पढ़ाया था वो क्या होता है। तो सोल्डरिंग करते समय सोल्डर के साथ फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जो किस किस के रूप में मिलेगा आपको, पाउडर, पेस्ट, लिक्विड के रूप में मिल सकता है। सोल्डरिंग निम्नलिखित कार्य करता है, सबसे पहला क्या, सोल्डरिंग द्वारा जोड़े वाले सतह को ऑक्साइड बनाने से रोकता है, सोल्डरिंग को सीख फैलाने में मदद करता है, सोल्डरिंग की पकड़ मजबूत बनाने में सहायता करता है, और सोल्डर का पर्श तनाव कम करता है जिससे सोल्डर सरलता से जोड़ों की सतह पर फैल जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात साथियों, तो सोल्डर का जो काम मैंने आपको बताया था वो यहाँ ही लिखा हुआ है। चलो जी, इसके बारे अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रोजिव और नॉन क्रोजिव फ्लक्स के बारे में, तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें मैंने आप सभी को बता दिया है। चलिए, तो यहाँ एक चीज अभी आपकी रह गई है,
कार्य क्या मेटल एंड फ्लक्स। तो सर किस किस मेटल पे हम कौन कौन सा फ्लक्स यूज करें, ठीक है। देखिए अगर आपकी सॉफ्ट सोल्डरिंग है तो उसके लिए जो आप फ्लक्स यूज करते हैं सोल्डरिंग पेस्ट या जिंक क्लोराइड आप यूज करेंगे। अगर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे सर, बोरेक्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप ब्रेजिंग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए तो बोरेक्स यूज होगा या ये आपका सर एश यूज होगा, ठीक है। जीआई शीट की अगर हम क्या कर रहे हैं सोल्डरिंग कर रहे हैं तो क्या कर यूज करेंगे, सीन क्या हुआ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। टिन शीट के लिए आप साल अमोनिक यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए आप फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। कॉपर के लिए आप जिंक यूज कर सकते हैं। स्टील जिंक क्लोराइड या बोरेक्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड यूज कर सकते हैं। बिजली के उपकरण के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, रेजिन यूज कर सकते हैं। और एक उसमें रह जाता है आपका एल्यूमिनियम। तो अगर एल्यूमिनियम की आप अगर आप क्या कर रहे हो सोल्डरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप स्ट्रीन का यूज करें, STERI, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने आपको यहां बता दी है, क्लियर साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए अगर ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है तो चैट बॉक्स में जरा सभी स्टूडेंट प्लीज मुझे एक बार यस का साइन दे दीजिए अगर ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है तो, जल्दी से एक बार। जल्दी से चैट बॉक्स में यस दे दीजिए। हाँ जी, तो अगर सारी बातें क्लियर हो गई आप सभी को तो चैट बॉक्स में जरा जल्दी सभी मुझे एक बार यस का साइन दे दीजिए। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में। बस यहां से आपको उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको अंदर जाना नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हाँ जी, ओके ओके ओके। स्टीरीन क्या है, स्टीरीन जो है पिंटू पटेल, स्टीरीन भी एक आपका फ्लक्स ही है, ठीक है। चलो तो बेसिकली सोल्डर में हम कौन कौन सा, अगर हम सोल्डर करेंगे तो फ्लक्स कौन सा यूज करते हैं सर, उसमें हम लेड और टिन यूज करते हैं, आप सभी को पता है लेड और टिन यूज करते हैं। तो बेसिकली लेड और टिन का जो मिश्रण होता है ना वो कितना होता है, 60-40 का होता है। कितने का होता है, 60-40 का होता है भाई, तभी तो ये आपका 100% होगा, तभी तो आपका 100% होगा। मगर सोल्डरिंग में जब आप सोल्डरिंग का यूज करेंगे तो आपको रेशो कितना दिया जाता है, 38 और 63 दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 38 और 63 दिया जाता है। ये बात मैं सही बोल रहा हूं क्या सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो टिन कितना दिया जाता है मेरा, टिन, ठीक है। तो जो लेड होता है इसमें देखो, इसने यहाँ उल्टा लिख दिया, लेड जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाता है मेरा, इसमें 66 या 33 दिया जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, ये सुन लीजिए जरा एक बार की बात को, ये सुन लीजिए। बट कॉमनली जो यूज होता है वो कितना होता है, 60/40 यूज होता है। तो सर बुक में 38 और 63 क्यों लिखा जाता है, या 38 की जगह 37 भी यूज लिखा होता है, ऐसा क्यों लिखा होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ मेरी एंटी मिनी मिली हुई होती है, यहाँ मेरी क्या मिली हुई होती है, एंटी मिनी मिली हुई होती है। तो इस कारण जो बुक में आपका लिखा जाता है 37 लेड या 37 या आपका 37 38, तो इसी वजह से आपका ये इतना लिखा जाता है। अदरवाइज आपका लेड और टिन का रेशो कितना होता है, 60-40 होता है। और बेसिकली सोल्डर आपके चार तरह के होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर, मीडियम सोल्डर, प्लम्बर सोल्डर और आपके इलेक्ट्रिक सोल्डर, और इनके बस यही रेशो रखे जाते हैं। बात क्लियर हो रही है क्या मेरी इतनी, ठीक है। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, मगर बेसिकली 60 और 40 ज्यादातर आपका यूज होता है। अगर बात करता हूं मैं क्या इसकी, अगर सर इनकी इन दोनों की बात करूं मैं क्या, अगर इन सब की बात करता हूं तो सर ये मेल्ट कैसे होते हैं, तो पहले ये सॉलिड अवस्था में आते हैं, फिर ये प्लास्टिक अवस्था में आते हैं, और ये फिर सीधा मेरे मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेल्ट मेरे ऐसे होंगे, मगर मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे मेल्ट, अगर मुझे क्या करना हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो, तो उसमें क्या मिला देता हूं मैं, एंटीमिनी मिला देता हूं। तो टेम्परेचर कितना हो गया था आपका, 60-40 रेशो हो गया था, 60-40 हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में जब ये मेरा मेल्ट होगा ना, तो पता कैसे होगा, ये सॉलिड से डायरेक्ट मेल्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड से ये आपका प्लास्टिक में नहीं आएगा, फिर सॉलिड से सीधा कहां हो जाएगा, ये आपका कहां हो जाएगा, अगर सॉरी ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, ये 60-40 नहीं होगा, 60-40 तो कब होगा ये आपका, अगर मेरी ये वाली कंडीशन होगी, अगर मेरी कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। अगर ये है 38 और 63 वाली, तो क्या होगा, इसमें मेरा ये डायरेक्ट आके एकदम सॉलिड से प्लास्टिक होगा, और प्लास्टिक से एकदम से ये मेल्ट हो जाएगा,
क्लियर साथियों? तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसे आप इसकी जगह ना, आप इसकी जगह 60-40 लिख लीजिए, इसकी जगह 60-40 लिख लीजिए। तो अगर 60-40 है तो कैसा होगा ये आपका, सॉलिड होगा पहले, प्लास्टिक होगा, फिर मेल्ट हो जाएगा। अगर ये आपका 38 और 62 हुआ तो क्या होगा, फिर ये आपका सॉलिड से डायरेक्ट ये आपका मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां इसमें आपने एंटीमनी मिला दिया है, और एंटीमनी से क्या होता है, मिलाने से मेरा जो सोल्डर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है साथियों। तो बस इतना प्रोसेस आपको आज की क्लासेस में याद रखना है, 63-37, ठीक है सर। सोल्डरिंग ब्रेजिंग में कौन बेटर है सर, ये डिपेंड करता है आप कंपोजिशन क्या कर रहे हैं और आपका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्लियर, ठीक है। तो आई थिंक यहां से ये सारी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी के लिए, ठीक है जी। चलिए तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर आप इच्छुक है इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए तो बहुत जल्द हमारा इंग्लिश मीडियम कोर्स जल्दी एक लॉन्च होने वाला है, आईटीआई इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन कोर्स, कंप्लीट ट्रेड थ्योरी का, कमिंग मंडे से, क्लियर, कमिंग मंडे से। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना सर, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में मेन डिफरेंस क्या है सर, वेल्डिंग भी तो हमारा मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग को मेन क्यों कहते हैं। कल ही क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे सर, क्रोजिव हमारे दो तरह के होते हैं, फ्लक्स हमारे दो तरह के होंगे, क्रोजिव और नॉन क्रोजिव। क्रोजिव फ्लक्स को मैं एक नाम से और जानता हूं, क्या, एक्टिव या और या एक्टिव, और नॉन क्रोजिव को किस नाम से जानता हूं मैं, पैसिव फ्लक्स के नाम से जानता हूं। बेसिकली क्या होते हैं सर, एक्टिव फ्लक्स मेरे क्या होते हैं सर, इसमें तेजाब और मेरे सर एल्कलाइन मिली हुई होती है, एसिड वैसिड अगर जॉब की सतह पर लग जाते हैं तो जॉब की सरफेस को खराब कर देते हैं। और नॉन क्रोजिव फ्लक्स कौन से होते हैं मेरे साथियों सर, अगर ये मेरी जॉब की सरफेस पर रह जाए तो ये मेरे जॉब की सरफेस को खराब नहीं करते, जैसे आपका बोरक्स हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो यहां से आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल ही क्लासेस में। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, राम राम, जय हिंद, मिलते हैं कल एप्लीकेशन पे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद सभी को।